हाय, हम टेडी बाइट्स के साथ हैं और अब हम करने वाले हैं पोल खोल सेगमेंट। आर यू एक्साइटेड? मैं ऑनेस्टली मैंने स्टोरी पूरी पढ़ी थी आने से पहले, तो मैं बस आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बस ये देख रही थी कैरेक्टर में फिट होता है नहीं, इसको लिखा था ग्रीक गॉड, मैंने कहा हाँ जाएगा। मुझे ऑनेस्टली ताहिर को फर्स्ट टाइम देख के लगा नहीं था, बिकॉज ही हैज सच अ चिल आउट वाइब ऑन सेट ना, तो मुझे लगा नहीं था कि यू नो ही विल बी एबल टू लुक अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल ऑफ अ सडन, एंड दैट इज द फन ऑफ इट इन द एंड, राइट? आप एकदम से ट्रांसफॉर्म होते हो, दैट्स व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट। So yeah, he pulled off being mean and stuff. मैं एक्चुअली सबसे पहले एक्टर्स में एसी को मिला था, सुबह को ऑफिस में, बालाजी के ऑफिस में, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। मैं सबसे लास्ट में ऐड हुआ था इनकी टीम में, तो मैंने इनको देखा एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज दैट वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। हम इक्वली डरे हुए थे, तो बेस्ट बात ऐसा था कि हम दोनों पहले तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे प्रटेंड कर रहे थे, हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट देन धीरे धीरे हम लाइक खुलना शुरू हुए, लाइक वी गॉट टू नो ईच अदर, तो आंखों में ऐसे एक इशारों में बात हो गई कि बेटा जितनी तेरी लगी हुई है उतनी मेरी भी लगी हुई है एंड वी आर इन द सेम बोट। तो हमने जाके बाद में कॉन्फ्रंट कर दिया कि भाई आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट स्केर्ड, तुम भी ऐसे ही फील कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, साथ में मिलके हाथ पकड़ के कर लेंगे आगे। ये लोग इतने डरे हुए थे कि उनका डर जो मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं भी डरने लगा। बैकअप की जल्दी मुझे होती थी क्योंकि मैं रोज देखती थी कॉल शीट, पहला सीन से लेके एंड सीन तक मेरा होता था, तो मुझे ना रोज ऐसे स्ट्रेस हो जाता था कि एक दिन की छुट्टी तो दे दो यार, और मैं मेरे को बैकअप की बहुत जल्दी होती थी। जिसकी शूट पे सबसे ज्यादा हालत खराब होती है ना, उसको शो खुलने के बाद सबसे ज्यादा सराहा भी जाता है, बिकॉज अगर आप 16 घंटे शूट कर रहे हो, जैसे कि अगर जब मेरा टीवी शो किया तो अनेरी को पेला करते थे वो लोग, और सब फिर उसके साथ जो मांस मच्छी मटन जो भी फैन फॉलोइंग पैसा शो भी उधर ही जाता है, तो अगर आप कम काम कर रहे हो मेरे जैसे जब मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था कि मैं तो आता हूँ फ्रेश, वो उसका मतलब ये है कि मुझे कोई दिखेगा नहीं, सब लोग देखेंगे मैडम को, फिर वो सब पैसा वसूल हो जाएगा तुम्हारा। हम दोनों बहुत सीरियस होते थे सेट पे, ये है वो आदमी, ये हर टाइम पे मजा। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड जब शूटिंग थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही थी, आई थिंक मैं और सुबह काफी मस्ती करने लगे थे, क्योंकि हम लोग ना एक्चुअली बताता हूँ आपको जेन्युइनली कुछ ऐसे हफ्ते निकले हैं हम सोए नहीं हैं। हम टुवर्ड्स द एंड पता क्या करते थे, हमारा सीन होता था, हम बोलते थे हमने कितना रियल किया ना, क्योंकि हम सो नहीं रहते, तो लिटरली ऐसा होता था कि अगर हम मस्ती ना करें ना, तो ये देखो अभी इनकी मस्ती चालू हो गई, मैं कह रहा हूँ अगर हम मस्ती ना करें मी एंड हर, तो ऐसा होता था कि मतलब नींद आ रही होती थी सेट पर, बिकॉज इट वॉज सो हेक्टिक समटाइम्स, तो वो हेक्टिकनेस को हटाने के लिए थोड़ा एक रियल फ्लेवर डालने के लिए हम लिटरली हम कट के उस कट के बाद हम नाच रहे होते थे बिना गाने के, हमने ना डांस किया है वहाँ पे बकायदा, क्योंकि हमको नींद से उठना होता था, तो कॉफ़ी पी के हम नाच रहे होते थे सो दैट हम एनर्जेटिक रहे। ऐसा हम लोग गोवा गए थे शूटिंग के लिए, तो एक बार हम लोग ने सोचा सारे लोग आ गए मिल लेते, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग वॉज तुषार, मैं तुषार के कमरे पे गया, बोला तुषार, मैं बोला अभी सब मज़ा आ रहा है, तो तुषार मैं नॉक किया और ज़ोर से आवाज़ आई, मैं सो रहा हूँ, इतना एक्साइटिंग आदमी है, मैंने कहा उससे ज़्यादा मस्ती किसी ने की, इज जस्ट टू मच मस्ती। My hair and makeup people took ages to get me ready because it was complicated. हर एक लुक अलग था, आप जैसे मेरे लुक्स देखोगे आपको दिखेगा कि हर लुक में आई मेकअप से लेके लाइक इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पे दीज पीपल हैव वर्कड एंड हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज मैंने इतना हार्ड वर्किंग कभी कोई देखा नहीं, मेकअप हेयर पीपल दे वर लाइक जेन्युइनली वेरी हार्ड वर्किंग, सो दैट इज व्हाई टुक टाइम। मैं बहुत टेक लेता हूँ, मतलब मैं दो या तीन मैं गर्म होता हूँ, मेरे को कम से कम दो तीन टेक लगते हैं, आई एम द रीटेक मास्टर। सो देयर वाज अ सीन जिसमें कैमरा पे सिर्फ इनका हाथ था, कि इनका हाथ ऐसा क्या हुआ, इनकी इन्होंने अपने हाथ को शेक, सिर्फ कैमरा पे फिंगर्स दिख रही है, और इन्होंने ना तीन चार तरीके से प्रैक्टिस किया कि कब से बोल रहे हैं, ही वाज प्रैक्टिसिंग फॉर आवर्स, ही वाज लाइक मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं या और जब वो टेक हुआ ना सर कहते नहीं टू ताहिर ओवर एक्टिंग हो रही है, नीरज कबीर साहब, उन्होंने बोला अगर तुम्हारा एक नाखून भी आ रहा है ना तो उसको लाइटली मत लेना, उसको तुम सही से करना, अपने से करना, तुम मैंने हजार टाइप के वेरिएशन दिए कि क्या है, और फिर आरम भाई ने बोला इतना मत करता है यार, तो मैंने कहा भाई आप बोल दो, और मेरी आधे घंटे की पूरी मेहनत जो है पूरी पानी में गई, अल्टीमेटली डायरेक्टर्स कॉल पर मैंने मेहनत तो की थी, मेरी डाइट थी उसके बाद भी मैंने मिठाई खा ली,
आई हैड टू लूज वेट, ही डिड नॉट ईट. मैंने खा ली और मैंने सोचा, मैंने बोला अपने आप को बोला एक बाइट और उसके बाद एक बाइट का मैंने दो मिठाइयाँ पूरी पूरी खा ली. अब उसको शर्ट निकालनी थी ना, आपको कुछ निकालना नहीं था. अच्छा. रोज पिज्जा खाता था गोवा में, रोज पिज्जा खाता था, रोज ऐसे शक्कर वाली कॉफी वॉफी पीते थे, बहुत मजा आता था. ये लोग सब लोग ऐसे सुकड़ के एकदम टोटल ऐसा गांधी जी लुक में आ रहे थे और मैं मतलब पूरा फैल रहा था. ओह आई लाइक इट, आई लाइक योर डेडिकेशन. मैं इनसे स्टार्ट करता हूँ. सो पहला दिन मैं जिस दिन भीग रहा था, इन्होंने बताया वही दिन की मैं आपको बात बताता हूँ. मैं इनको बस मिला हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, एंड आई वेंट अप टू हिम, हाथ मिलाया मैंने और उनको बोला आप बहुत अच्छे इंसान हैं. एंड दैट जस्ट केम आउट ऑफ माई आई हार्ट फॉर सम रीज़न. आई जस्ट मेट हिम, वाइब इतनी अच्छी थी, पॉजिटिव थी, द वे ही ग्रीटेड मी फ्रॉम फार. पहला हमारा सीन भी नहीं हुआ साथ में, बस मैं मिला था उनको. And I just told him कि you are a very nice guy, because ज़्यादा actors और जितने सारे लोग होते हैं अपने अपने उसमें कितना ज़्यादा मगन रहते हैं अपने ही सीन में, कि आप ध्यान नहीं देते, आप मिलते नहीं किसी से, greet नहीं करते. But the way he दूर से उन्होंने greet करने का इतना initiative लिया, and such a big actor, so I felt so like nice यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, very humble guy. तो ये इनकी बात थी अच्छी. मैडम तो मतलब ऐसा था कि initially हम थोड़े मतलब क्या मतलब एक अलग नोट पे हमारी मुलाकात हुई थी, फिर हमारी डांस रिहर्सल्स काफ़ी थी, तो वहीं पे मेरे से ना कुछ छोटी सी गलती हो गई, मैं डांस करते हुए थोड़ी गिर गई हैं, इन्होंने मुझे चांटा मार दिया, ऐसे ही चांटा मार दिया, मतलब ऐसे मजाक में, मजाक में हल्का सा ऐसे. तो वहीं पे मैं समझ गया ये अब से मेरी दोस्त है. कभी कभी दोस्ती में ना वो एक वो दोस्ती का चांटा था, वहाँ से हम दोस्त बन गए. तो शार एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत मुझे लगता है ये भी एक टैलेंट है, जो खुद में खुश रहता है, लाइक ही कैन एंटरटेन हिमसेल्फ. ये अकेले होगा वैन में, गाने बज रहे होंगे, ये चिल कर रहा होगा, अपने आप बाइसेप्स देख रहा होगा, अपना मुंह देख रहा होगा और अपने फेसेस बना रहा होगा. ये इंसान खुद से इतना खुश है कि इसको दूसरा इंसान नहीं चाहिए. ताहिर के साथ ये है कि ताहिर हर इंसान को अपने आस पास ही मेक्स हम फील लव्ड. दैट्स अबाउट हिम फ्रॉम एवरी पर्सन, फ्रॉम स्पॉट दादा टू actor to director, he'll go up to everyone and like tumne khana khaya, tumne ye kiya, tumne, he'll make them feel loved, wanted and he'll pull the leg, to fir bura hi nahi lagta obviously, kyunki itna pyar ke baad agar thoda sa leg pulling ho to, maine wahi bola na, he never crosses a line, so he has this perfect balance. Yeah, they are both, I mean not only these two, everybody on this set was very talented. I have to say Smaran ko to main bahut saalon se janta hu, to uski zyada taang khinchta hu main, but ye dono I have to say the two nicest people, even Taha actually, and Paulo is a very old friend. Again, उसके साथ मैं मस्ती, Paulo is like my brother, like my bro. So अजीब लगता है, बड़ी इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं उसको bro बोलता हूँ, but हम दोनों actually like that. These two are the, like I can't tell you how sweet and nice they are, like when we also met, like he was saying, वो 5 मिनट जो हम लोग मिले पहली बार, इतना अच्छा connection रहा, even with him, I was like, यार इतना अच्छा आदमी है. And Subha तो is like out of the world, I was like, तू, how can you be so, like you're, how do you survive in this industry? Because of people like her, I've almost decided to start a new business. I'm not joking, which will inshallah happen, which I'll come to you also. Ke inke saath, matlab ye aisi kya kaise batau? Unreal type ke log hota hai na ki yaar tum, you know, so nice ke aap believe nahi kar sakte ho ki yaar ye ho raha hai, aapko dikh nahi raha hai kya? And you know what I mean? Because I've also been around for a long time. Like yaar, you know, this should not happen to you. So she's that. She's like a murat. साक्षात मूरत है. और देन इसमें आई एम प्लेइंग अनायशा हु इज, मतलब हर कोई कैरेक्टर में आपका खुद कुछ होता है, लाइक सम पार्ट ऑफ यू इज देयर. अनायशा हैज नथिंग दैट सुबा हैज, यू नो.